लखनऊ से बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दो दिन का बलरामपुर दौरा है। बलरामपुर दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बलरामपुर को सीएम योगी आदित्यनाथ बड़ी सौगात देंगे। जिले के कई विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं रात्रि विश्राम देवी पाटन मंदिर में करेंगे। कल सुबह नवरात्र के पहले दिन मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ। मिशन शक्ति की शुरुआत भी करेंगे सीएम। बलरामपुर जिले से करेंगे मिशन शक्ति की शुरुआत। तो हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दो दिवसीय अपने दौरे पर बलरामपुर में है सीएम योगी आदित्यनाथ। इस दौरान बलरामपुर को बड़ी सौगात देने वाले हैं। रात्रि विश्राम भी बलरामपुर में करेंगे, देवी पाटन मंदिर में करेंगे विश्राम। वहीं नवरात्र की पूजा अर्चना वहीं मंदिर में करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रेजिडेंट एडिटर हरेंद्र चौधरी जी जुड़ गए हैं। हरेंद्र जी, क्या जानकारी मिल रही है सीएम योगी आदित्यनाथ का बलरामपुर का दो दिवसीय दौरा है और इस दौरान कई सौगातें बलरामपुर को देने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए हम सभी इस बात को जानते हैं कि महिला अपराध को लेकर सीएम योगी जो है खासे गंभीर है। तो कल से मिशन शक्ति जो महिला अपराध की नियंत्रण और प्रभावी कार्रवाई के लिए उसकी शुरुआत होनी, तो बलरामपुर जिले से इसकी शुरुआत करेंगे और उसी के अंतर्गत आज दो दिवसीय बलरामपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ से दोपहर करीब 2 बजे रवाना होंगे। और चूंकि दो दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं तो स्थानीय स्तर पर जो कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे विकास योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण को लेकर 300 बेड का एक अस्पताल उसका शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ आज दोपहर 3 बजे बलरामपुर जिले में करेंगे। केजीएमयू लखनऊ के सेटेलाइट सेंटर के तौर पे इसको डेवलप किया जाएगा। साथ ही जो रात्रि विश्राम का जो कार्यक्रम है देवी पाटन जो मंदिर है वहां करेंगे और नवरात्रि का कल पहला दिन है तो शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। और कल 10:30 बजे जो मिशन शक्ति है उसकी शुरुआत जो है वह उत्तर प्रदेश के लिए और बलरामपुर जिले से ही करेंगे और उसके बाद दोपहर 12 बजे करीब गोरखपुर रवाना होने का तय कार्यक्रम है। तो एक इस दौरान दो दिवसीय दौरे के दौरान न सिर्फ जो स्थानीय विकास कार्य जो पहले से संचालित है उनकी समीक्षा करेंगे बल्कि नए विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण की भी शुरुआत करेंगे। जी हरेंद्र जी, क्या इस दौरान कुछ नेताओं के साथ जो स्थानीय नेता है उनके साथ मीटिंग भी होने वाली है? बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि जो पूर्व में संचालित विकास कार्य उनकी समीक्षा करेंगे। जाहिर सी बात है जिला प्रशासन के अधिकारी के साथ मीटिंग रहेगी। ऐसे में जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है उनके साथ भी बातचीत करेंगे और संवाद स्थापित करके जो जिले के विकास कार्य है उनको गति देने की कोशिश करेंगे। साथ ही जो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सामंजस्य बैठाने में कई बार जिस तरह से हमने देखा है कि समस्याएं सामने आती हैं, शिकायतें जनप्रतिनिधियों की तरफ से की जाती है, उसको भी दूर करने के लिए दोनों ही पक्षों से संवाद करके इसको और बेहतर बनाने की कोशिश सीएम योगी आदित्यनाथ की होगी। हरेंद्र जी, महिलाओं को शक्ति देने के लिए तमाम कदम उठा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, बावजूद इसके उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं के विरुद्ध अपराध बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो बलरामपुर हो, चाहे हाथरस हो, चाहे कोई भी जनपद हो। बिल्कुल, देखिए हालिया जो घटना है और आंकड़ों की अगर बात करें तो बड़ा सवाल जो है प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर इस दौरान उठ रहा है और विपक्ष इसी बात को लेकर सरकार से निशाना साध रहा है। और लेकिन योगी आदित्यनाथ की सूबे की मुखिया के तौर पर तमाम कोशिशें यही रही है कि न सिर्फ जो गंभीर अपराध है बल्कि खासकर महिलाओं को लेकर जो अपराध के मामले हैं उनमें कमी आए और इसको प्रभावी नियंत्रण करने के लिए, साथ ही अगर इस तरह का कोई दुर्भाग्यपूर्ण वाक्य सामने आता है तो उस पर त्वरित कार्यवाही और उसको लेकर मिशन शक्ति की शुरुआत कर रहे हैं। कल बलरामपुर जिले से इसकी शुरुआत करेंगे, उद्देश्य यही है कि इस तरह के मामलों में कमी आए। जी हरेंद्र चौधरी जी, खबर पर जानकारी देने के लिए जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।